हाय गाइस, मैं हूं शेख मुख्तार, आपका विदर्भ सेटअप यूट्यूब चैनल में फिर एक बार वेलकम है। दोस्तों, आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं जो पीजीएन फार्म का हम विजिट करेंगे, जो एमएस पीजीएन फार्म बोल के है, जो बहुत ही आला उम्दा खिलाड़ी हैं। मुखीब सर इनका नाम है, जो हाइन 10 के किंग कहलाते हैं विदर्भ में। उन्होंने हर नमूने का बर्ड्स को टेन किया है, कॉकटेल, अफ्रीकन लवबर्ड्स, कबूतर हो या मुर्गा हो, जो भी हो, यानी एनिमल्स में भी रंदे, डॉग, कैट, पर्शियन कैट, यानी कौन सा भी एनिमल या बर्ड्स रंदे, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको टेन करते हैं। तो मैं हमारे मुखीब सर का फिर एक बार से ये इस वीडियो में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुखीब सर। वालेकुम सलाम सर, और खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो सर के फार्म पे हम विज़िट कर रहे हैं सर, आपका कौन कौन से फिलहाल पीजियंस है जो उड़ान के लिए, आप, मैंने सुना है उड़ान के लिए तैयारी चल रही है, तो कौन कौन से उड़ान में पार्टिसिपेट करने वाले हैं पीजियन, उनका नाम बताइए। और उसके बाद तो मेरे पास थोड़े ज़ाया हो गए कबूतर बीमारी में मरने की वजह से, जो भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो बॉर्डर वाले नस्ल के। तो मैंने सुना है कि अप्रैल मार्च में कुछ उड़ान के टूर्नामेंट हैं, उसके लिए आप तैयारी चल रही है। अप्रैल के एंडिंग में है सर, अप्रैल के एंडिंग में है। तो अब फिलहाल आपका कौन कौन से कबूतर है, उनकी नस्ल के बारे में बताइए। नस्ल पूरे बॉर्डर वाले हैं सर, नस्ल उसके अंदर टेडी, कामगर, कसूरी जी, गोल्डन, यही सब है सर जी। माशाल्लाह। तो सर, आपको शौक कब से पड़ा? शौक मेरे को बचपन से था सर जी। अब फिलहाल मैं 2015 से शौक कर रहा हूँ सर जी। माशाल्लाह, 2015 से आप शौक हैं प्रॉपर तरीके से। तो आपका शौक पिजन का था या पहले बर्ड्स भी रखते थे आप? बर्ड्स का है, सबका है सर शौक, पहले बर्ड्स बहुत रखा। हाँ, फिलहाल तो कबूतरों के अंदर है। नहीं, सही है, मुझे मालूम है आपने बहुत ही अच्छी तरीके से टेन किए थे कॉकटेल वगैरह। हाँ, तो आपको टेन करने के लिए कितना टाइम चाहिए कौन सा भी बर्ड्स को अच्छी तरीके से प्रॉपर? वो टाइम देने के ऊपर है सर, अभी हम जितना उसको टाइम देंगे उतना अच्छे से टाइम होते हैं। तो थोड़े टाइम के अंदर तो थोड़ा टेन होता। तो इंशाल्लाह दोस्तों, सर का कोई टेन के बाद बर्ड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज हम थोड़ा गड़बड़ी में वीडियो बना रहे हैं, सर को भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो हो सके हम टूर्नामेंट की तैयारी चल रही है मुखीब सर की, तो कौन कौन से बर्ड्स हैं और उनका मास्टर केज काम क्या है, टूर करेंगे। तो मुखीब सर चलिए थोड़ा सा हमें विजिट कराइए अपने। आइए सर जी। तो दोस्तों ये देखिए, आपको पहला मास्टर केज में हम लग जा रहे हैं जो पीजीएन का है। तो माशाल्लाह ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आपको मैं पहले ओवरव्यू बता देता हूँ। ओवरव्यू माशाल्लाह देखिए, यहाँ नीचे भी है बहुत सारे। ब्रीडिंग सेटअप पूरा हटा दिया है सर। यानी ब्रीडिंग सेटअप हटाने की वजह यह है कि टूर्नामेंट की तैयारी चल रही है, इसलिए उन्होंने पर निकाले हैं नए पर देने के लिए। तो फ्रेंड देखिए, उनका तकरीबन 40-50 पीस नज़र आ रहे हैं मुखीब सर। ये 30-40 है सर। 30-40 है। इसमें कबूतरों की नस्ल के नाम तो बताइए। नस्ल तो पूरे बॉर्डर वाले हैं उसके अंदर जी, जैसे कुछ कोयम्बतूर देसी कबूतर भी हैं इसके अंदर। देसी कबूतर भी है जी माशाल्लाह। तो एक दो कोयम्बतूर का भी एक विजिट ओवरव्यू बताइए मुखीब सर, शो कराइए हमारे जी। जाइए अंदर आप। तो ये सर कोयम्बतूर प्योर मद्रासी कबूतर। तो जी गाइस, ये देखिए, ये हमारे मुखीब सर एक पिजन को पकड़े हैं, इसका नस्ल का नाम है कोयम्बतूर। कोयम्बतूर मद्रासी कबूतर बोलते हैं। मद्रासी ना, एक मिनट, उसका पर का व्यू बताइए। तेज कबूतर जी। देखिए दोस्तों, मेरे पास 3 बजे तक उड़ा सौ कबूतर है सर ये, यानी सुबह 7 बजे से 3 बजे तक। माशाल्लाह, सही है जी, बहुत ही। फिलहाल इसको भी पर देना बाकी है जी। टिकावा कबूतर सर, उड़ान के लिए हम कबूतर में कौन सी खुसूसियत रहना चाहिए कबूतर में? पहले तो अच्छी नस्ल के साथ साथ कबूतर की फिटनेस देखते हैं सर जी। इसकी आंख का भी बताइए। ताखी कबूतर है सर, एक साइड की आंख अलग है। कर रहा हूं मैं, ताखी कबूतर है फ्रेंड। ये एक लड़की आपको नजर आ रही है, ये ब्लैक है कबूतर, ब्लैक है, और उस साइड की आंख दिखाएंगे। वन सेकंड। हाँ, यानी दो अलग अलग यहाँ पे येलो और बीच में ब्लैक दाना है, वहाँ पे फुल ब्लैक है। ताकी कबूतर कहते हैं दोस्तों, मद्रासी। माशाल्लाह। तो मुखीब सर माशाल्लाह अच्छा है आपका ये भी, 50-60 कबूतर को आपने पूरा मास्टर ब्रीडिंग के चढ़ा दिए हैं उड़ान की तैयारी के लिए जी सर। और इसको छोड़ के और कौन से कबूतर है सर आपका? और मैं बताता हूँ सर, ये गोल्डन कबूतर है सर। दोस्तों देखिए, ये गोल्डन कबूतर का एक पकड़े हैं पिजन, बॉर्डर वाला कबूतर है सर, गोल्डन कबूतर है जी।
ये भी आपका उड़े हुआ है। हाँ सर, मेरे पास गैसोल मई की गर्मी में सुबह 6 बजे से 5 बजे तक उड़ा सर। माशाल्लाह, देखिए दोस्तों ये गैसोल मुखीब सर के टूर्नामेंट में सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक इसने उड़ान की है, और टूर्नामेंट में शायद आप फर्स्ट भी आए थे वो। नहीं सर, वो टूर्नामेंट मेरे से वो दूसरे हो गया था सर, वो दूसरे कबूतर थे वो। ये दूसरा है गोल्डन कबूतर, माशाल्लाह इसकी आँख का शौक करिए सर। सही है फ्रेंड, एक सेकंड तो देखिए दोस्तों ये इसके आँख का शो करिए आप। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे जर्रात हैं इसके आँख में, और माशाल्लाह सही है। अब इसकी फीमेल भी बताता हूं सर आपको, ये देखिए इसका ओवर व्यू जी। ये वही कबूतर की फीमेल है, बाहर ले गई सर थोड़ा सा जी। दोस्तों ये देखिए, ये भी गोल्डन कबूतरी है, बॉर्डर वाली, बॉर्डर वाली गोल्डन कबूतरी, वही कबूतर के साथ की फीमेल है। हाँ उसी की फीमेल। देखिए दोस्तों माशाल्लाह इसकी आँख देखिए, आपको मैं बहुत जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए इसका ओवर व्यू जी सर। ये सब ब्रीडिंग पर्पस के लिए लाए थे आप शायद? नहीं सर, मैं उड़ाया हूँ ये कबूतर वाले। ये भी उड़ाया गया जी, इसमें नर और फीमेल यानी दोनों भी उड़ा सकते हैं? हाँ दोनों उड़ा सकते हैं सर, मुश्किल। माशाल्लाह सही है। तो उसके हमें कुछ पर दुम कुछ वाइब्रेट होना ऐसा कुछ सुने थे हम? वो नस्ली कबूतर के होते हैं सर, देखिए जी यानी वाइब्रेट होता है ये शेक करंट के जैसा जी। सही है। तो गाइस देखिए आपको मैं मुखिब सर के, ऐसा नहीं है कि जो वाइब्रेट नहीं हो रहा वो कबूतर नहीं उड़ता। तो हमें उड़ान की तैयारी के लिए सर उनको दाने में क्या क्या देना चाहिए नेचुरल फूड में? फिलहाल तो सर इनके अभी पर दिया हुआ हूँ सर, उनको ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा दाना कुछ दूसरा नहीं। तैयारी के लिए हमें फीड क्या देना चाहिए उनको? अभी तैयारी के लिए उनको करड़ देते हैं, चना देते हैं सर जी, उनको बहुत सारे मल्टीविटामिन वगैरह तो वो तो नॉर्मल ही रहता सर, देते हैं रहते हैं जी। उसके अलावा भी बोलते उनको अलग से खिलवाई बना के देते हैं सर, जो बादाम की वगैरह होती है जी वो देते हैं। तो प्रॉपर हम अब जस्ट हम कंपटीशन से एक दो महीने या एक महीना पहले से तैयारी करना चाहिए या उससे ज़्यादा टाइम लेते हैं? नहीं वैसे तो सर कबूतर एक साल भर से तैयारी में रहता सर जी, वैसे तो कबूतर एक साल भर से तैयारी में रहता है जी, फिर भी अब जब उड़ान की खरीब में आती है, अभी जैसे ये दिनों में कबूतर का चिरक का वार ज्यादा हो जाता है, भरी का वार ज्यादा हो जाता है, कबूतर जाया हो जाता है, जैसे उड़ा रहे हैं उसको सही उसकी जान लेने के लिए उड़ाने का हो गया सर जी। माशाल्लाह देखिए। उसके अलावा बोलता अभी जैसे कि मार्च के टाइम से उसको रन कराना चालू कर देते हैं सर, मार्च के टाइम से रन कराना। अप्रैल में टूर्नामेंट रहा तो आप मार्च से उसको एक महीना डेढ़ महीना पहले से उसको प्रॉपर ट्रेनिंग तैयारी हो जाती है सर। सही है सर जी। तो देखिए दोस्तों मैंने ज़्यादा उसके पर वगैरह नहीं है कबूतर के, नए पर देने के लिए उनके पर निकाले हुए हैं दोस्तों, इसलिए ज़्यादा हमारे सर भी नहीं बता रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से ही आपको सर, बता। अब अगर उनके इस तरह पकड़ दे गए तो सर उनके पर डैमेज होने का चांस रहता है। बेशक हम भी आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ नेक्स्ट उड़ान के टाइम हम आपकी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे सर बिल्कुल, और इंशाल्लाह थोड़ा सा कवरेज हमारे व्यूवर्स को देंगे। तो मुखिब सर आप तो बहुत खिलाड़ी हैं, बचपन से आपको शौक़ है इसका प्रॉपर, और आप हर एक जो भी नए फेंसियर है उसको आप बहुत हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, हमें भी बहुत आपने गाइड की है हमारे सेटअप में भी आपका। नहीं सर, वो आपका सेटअप नहीं हमारा सेटअप है सर, वैसा नहीं आप उसको छोड़ के मुखिब सर का और एक केज है यहाँ पे दोस्तों, शायद मैं दिखाऊंगा आपको। बीमार हैं सर थोड़े से, जो चक्रू हो गए थे, चक्रू यानी बीमारी वगैरह आने की वजह से है दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है सर। ये कितने दिन में इसका ट्रीटमेंट सही होते हैं? अभी उसका प्रॉपर तो ट्रीटमेंट नहीं मिला सर, अभी जो फिर भी नॉर्मली दे रहे हैं वगैरह कुछ देते होंगे ना सर? अभी उसका एक न्यूरोबिन 4 बोल के टैबलेट है सर, जो चक्रू के लिए अभी फिलहाल हम लोग दे रहे हैं, अभी देखेंगे उसका रिजल्ट क्या रहेगा। न्यूरोबिन 4 बोल के तो एक ये जो आप बोल रहे हैं चक्रू में आ गए हैं वो ठीक होते हैं कबूतर? हाँ सर होते हैं बिल्कुल। कितने परसेंट होते हैं? जैसे 10 कबूतर को आपकी चक्रू की बीमारी आई है उसको कितने कबूतर ठीक हो सकते हैं? चक्रू भी अलग अलग किस्म का है सर, अब इसको ये लोगों को चक्रू अलग है जी, जो ऊपर मुंडी हिलाता है उसका चक्रू अलग रहता सर जी जी। दोस्तों देखिए उसमें भी 3-4 नमूने के चक्रू रहते हैं, मुंडी हिलाने का अलग, वो मुंडी एकदम पूरा रिवर्स कर देता है जैसे ये कबूतर कर रहा जी सर, ये एकदम मुंडी नीचे कर रहा है सर जी सर। तो इसका प्रॉपर दाना पानी वो कैसा खाता है सर ये? अभी अगर ये खाए तो ठीक है सर, नहीं तो हम लोग को हाथ से खिलाना पड़ता है, हैंड फीडिंग करते हैं। हैंड फीडिंग आपको बहुत मेहनत लगती है सर ये, नहीं तो फिर कबूतर जाया हो जाता सर। तो ये अंदाजा एक 10 कबूतर को ये बीमारी आ गई तो हम ट्रीटमेंट करें तो अगर उसके ऊपर प्रॉपर मेहनत करेंगे, उसको दाना वगैरह सही प्रॉपर सही टाइम पे देंगे फीडिंग उसकी जी, तो बिल्कुल 10 के 10 भी ठीक होने के चांस रहते सर। ये होने की वजह कुछ बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? वजह तो बहुत सारे रहते सर, उनके अंदर कमजोरी आ जाती है, उनके अंदर नए नए तरीके के वायरस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हो जाते हैं जी जी।
जी गाइस, तो सर क्या ना, अभी बहुत सारे कबूतर ऐसा होने की वजह से सर का थोड़ा सा मूड ऑफ है, मगर सर प्रॉपर तरीके से उड़ान के बाद नया सेटअप तैयार कर रहे हैं सर। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो अभी सर का वहाँ मास्टर केज भी है जो ब्रीडिंग के लिए सेक्शंस थे, वो अंदर पूरे अंदर से निकाल के रख दिया, बाहर कर दिए हैं दोस्तों। तो हमारे मुखिब सर ये एक बार बिदर में फर्स्ट आए हैं, जो 12 घंटे की उड़ान करे थे उनके कबूतर। जी सर जी, तो बहुत ही छोटी उम्र में बहुत अच्छा शौक़ है दोस्तों, देखकर का शौक़ ऐसा है परिंदा एनिमल्स। सर आपका कुछ एक मुर्गा भी है, सुना हाँ, था मैंने, असील का जो बड़ी जात का है, इंशाल्लाह बताइए थोड़ा माशाल्लाह। तो जी गाइस ये देखिए, ये कौन सी नस्ल है सर? ये सर ये असील बोलते हैं इसके अंदर। जी सर ये देख, ये यानी असील, ये बड़ा है सर, एक मिनट हाँ, सर थोड़ा सा, असील में जावा का जावा बोलते हैं, असील में जावा है दोस्तों, जो सर को उन्होंने हर पेट्स पाला है, डॉग रंदे, पर्शियन कैट रंदे, जो भी व्यूअर्स को चाहिए आपका। ये मगर नल नहीं है, नहीं ये सेल के लिए नहीं है सर, ये मेरे पर्सनल शौक के लिए है। तो जी गाइस ये सेल के लिए नहीं है सर, आपको पीजीएन वगैरह चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल अवेलेबल है सर, मिल जाएंगे। जी सर, तो जो भी गाइस को चाहिए मुखिब सर का मैं नंबर शेयर कर देता हूँ, वो मुखिब सर को कॉन्टेक्ट करके क्या है उनसे पीजीएन या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। तो सर प्लीज़ आप अपना नंबर शेयर करिए। 7897829229221 आपसे मिल गया, मैं बहुत खुशी हुई मुखिब सर, आप अच्छे कॉपरेट कर रहे हैं। आपका ना अभी तो थोड़ी तैयारी चल रही है कॉम्पिटिशन की, फिर भी हमने छोटा सा कवरअप दिया है, हमारे ओवरव्यू दिया है हमारे फ्रेंड्स को आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए मुखिब सर की तैयारी का। तो सर हमारे सब्सक्राइबर को कुछ कहना चाहते हैं जो इस चैनल से बने हुए हैं, आप आगे आने वाले दिनों में क्या बताना, यानी कुछ तैयारी कर रहे हैं वो बताइए, थोड़ा सा शेयर कीजिए। अभी फ़िलहाल तो कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं है सर, इंशाल्लाह अभी जब तैयारी होगी फिर एक बार इंशाल्लाह बड़ा सा अच्छे से वीडियो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं माजरा चाहता हूँ, अभी ज़्यादा कुछ भी इतना नहीं है सर। जी तो जी सर, आप हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ बता सकते हैं हमारे चैनल के द्वारा। माशाल्लाह सर आपका तो शौक़ ज़बरदस्त चल रहा है सर, आपके थ्रू जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियोस बना रहे हैं आप, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। जी शुक्रिया। और जितने भी देखने वाले हैं वो लोगों के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि बस जो भी शौक़ करें मेहनत करें उनके ऊपर अच्छे से। जी सर, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी सर को सपोर्ट करें हमारे। जी शुक्रिया सर, इतने अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना रहे हैं हमारे लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस ये हमारे मुखिब सर का कहना था, मगर ये उनका बड़प्पन है, जो भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो भी उनका नॉलेज है, हमारा सिर्फ काम ये रहता है जो भी नए फैंसियर हैं या जो भी एक दूसरे का नॉलेज एक दूसरे को पहुंचे और एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों हमारा मकसद सिर्फ ये है कि एक दूसरे को उसका फ़ायदा पहुँचे, मेरा एक्सपीरियंस सर का जा सकता है, सर का एक्सपीरियंस हम लोगों का ना सकता है। तो मैं नए नए सेटअप को इसीलिए विज़िट करता हूँ कि दोस्तों ये शौक़ का हॉबी बहुत अच्छा है, पिजन रंदे या बर्ड्स रंदे या कोई भी पेट्स रंदे। तो दोस्तों ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं इतना कहते हुए मुखिब सर से और आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।